हेलो फ्रेंड्स, मेरी जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के बारे में। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज करता है, कितने दिनों के यूज करता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स डालेंगे और किस पर काम करता है, उसका डोज डोजन कितना होना चाहिए। तो एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। स्वागत है एप्टोन 100 mg टेबलेट, जो कि हमारे पास 120 गोली का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास बोतल है उसकी MRP 236। एप्टोन 100 mg टेबलेट को एबोट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के अंदर कंपोजिशंस की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशंस हैं फेनिटोइन्स 100 mg टेबलेट्स इसके अंदर डाले गए हैं, यानी कि इसके अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल डाला गया है जिसका नाम है फेनिटोइन्स 100 mg टेबलेट्स। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल मिर्गी या दौरे के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टेबलेट्स ट्रीटमेंट करती है मिर्गी या दौरे का इलाज और रोकथाम के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स एक एंटी कॉन्वल्सेंस या एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिसिन है, जो दौरे पैदा करने वाली नर्व इम्पल्स को कम करके काम करती है। बार बार आने वाले दौरे को कंट्रोल करके ये आपकी अधिक आत्मविश्वास के साथ अपनी दैनिक गतिविधियों के बारे में जानने में मदद करेगा। ये भ्रम, अनियंत्रित रूप से हिलने या झटके खाने जैसे मूवमेंट्स, जागरूकता की हानि और डर या एंजाइटी जैसे लक्षणों को कम करने में मदद करता है। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल मिर्गी या दौरे के इलाज के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का डोज डोसेंस की बात करें तो उसका डोज डोसेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज डोसेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज डोसेंस अपने डॉक्टर की देरी में इस्तेमाल करें। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है रैशेस होना, हेडेक होना, उल्टी होना, मिचली आना, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देरी में इस्तेमाल करें। डॉक्टर जितने दिन बोले उतने दिन टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स एप्टोन टेबलेट्स। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के अंदर जो मेडिसिन रहती है फेनिटोइन 100 mg टेबलेट्स, वो एक एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिसिन है। ये ब्रेन में नर्व सेल्स की असामान्य और अत्यधिक एक्टिविटी को कम करके दौरे को कंट्रोल करता है। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पेशेंट फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करी, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करी। अपने मन से एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करी। तो एप्टोन 100 mg टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट्स हमें कमेंट सेशन में बताएं, अदर वो डिस्कशन में ईमेल आईडी दिए वहाँ पर बताएं। एप्टोन 100 mg टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।